टाटा सन्स ने गुरुवार को कैंपवेल विल्सन को एयर इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर एवं सीईओ नियुक्त किया है। विल्सन के सामने एयर इंडिया की खोई साख वापस लाने का चैलेंज होगा। वह न्यूजीलैंड के हैं और सिंगापुर एयरलाइंस की पूर्व स्वामित्व की कम लागत वाली सहायक कंपनी स्कूट के सीईओ भी रह चुके हैं। एयर इंडिया ने कहा कि विल्सन के पास फुल सर्विस और कम लागत वाली एयरलाइनों दोनों में विमानन उद्योग की 26 साल की विशेषज्ञता है। कैंपवेल विल्सन ने अपने करियर की शुरुआत 1996 में सिंगापुर एयरलाइंस के साथ शुरू की थी। तब वह न्यूजीलैंड में मैनेजमेंट ट्रेनी थे। बाद में कंपनी ने उन्हें काम करने के लिए कनाडा, हांगकांग और जापान भेजा। उसके बाद 2011 में वह सिंगापुर लौट आए और स्कूट की शुरुआत से लेकर 2016 तक कंपनी के सीईओ रहे। स्कूट सिंगापुर एयरलाइंस की लो कॉस्ट सर्विस देने वाली सब्सिडियरी कंपनी है। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया के एमडी एवं सीईओ नियुक्त होने पर कैंपवेल विल्सन ने कहा है कि प्रतिष्ठित एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया का नेतृत्व करने के लिए सेलेक्ट होना सम्मान की बात है। टाटा समूह का हिस्सा बनना भी गौरव की बात है। एयर इंडिया फिर से दुनिया की सबसे अच्छी एयरलाइंस में से एक बनने के रास्ते पर है। शानदार कस्टमर एक्सपीरियंस के साथ यह विश्व स्तरीय प्रोडक्ट्स और सेवाएं ऑफर कर रही है। मैं एयर इंडिया का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूं। आपको बता दें कि टाटा सन्स ने सबसे ज्यादा बोली लगाकर एयर इंडिया का पैच बता दें कि टाटा सन्स ने सबसे ज्यादा बोली लगाकर एयर इंडिया का अधिग्रहण किया था। इससे पहले एयर इंडिया सरकारी कंपनी थी। फिर से एयर इंडिया अपनी पुरानी साख को हासिल करने की कोशिश कर रही है। टाटा सन्स ने विल्सन से पहले तुर्किश एयरलाइंस के बॉस इल्कर एएसी को एयर इंडिया का सीईओ नियुक्त किया था, लेकिन उन्होंने 1 मार्च को कंपनी ज्वाइन करने से इनकार कर दिया था। मौजूदा वक्त में एयर इंडिया घरेलू हवाई अड्डों पर 4,400 से अधिक घरेलू और 1,800 अंतर्राष्ट्रीय लैंडिंग और पार्किंग स्लॉट के साथ साथ विदेशों में 900 स्लॉट को कंट्रोल करती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।